फ्रेंड्स, आपका माय किचन फूड में स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं चिकन टिक्का मसाला। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगती है कमेंट्स में लिखिए और रेसिपी को लाइक और शेयर जरूर करें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और नए नए वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। चिकन 400 ग्राम प्याज और टमाटर चॉप्ड किए, प्याज और शिमला मिर्च क्यूब्स में, प्याज और टमाटर की पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार, अदरक लहसुन की पेस्ट, काजू और खसखस, दही, नींबू का रस, हरा धनिया और तेल। मसाले में हल्दी, लाल मिर्च की पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर, तंदूरी मसाला और गरम मसाला पाउडर। खड़े मसाले में जीरा, हरी इलायची, मसाला इलायची, दालचीनी, मिरी और लौंग। बोनलेस चिकन के छोटे छोटे पीस करके लिए हैं इस साइज से। अभी इनको मैरिनेट करेंगे। पहले हम नमक ऐड करते हैं, एक चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट, दो चम्मच दही, एक चम्मच नींबू का रस, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर, तंदूरी मसाला और गरम मसाला पाउडर, दो चम्मच तेल। अब इनको अच्छे से मिक्स करके लेना है। अभी अच्छे से मिक्स हो गया। इनको अब 30 मिनट्स तक हमें रेफ्रिजरेटर में मैरिनेट के लिए रखना है। तब तक हम आज नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं, 2 मिनट फूड जर्नी। मेरा बेटा इसमें हेल्प करेगा, तो चलो देखते हैं 2 मिनट फूड जर्नी। हाय, नमस्ते। 2 मिनट फूड जर्नी में आपका स्वागत है। मैं हूँ वेदांत। आज हम यूनाइटेड किंगडम के बारे में जानेंगे। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड मिलकर यूनाइटेड किंगडम देश है। उसकी राजधानी है लंदन। उनकी पॉपुलेशन है 66.57 मिलियन और करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। उनकी ऑफिशियल और नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है। उनका नेशनल स्पोर्ट क्रिकेट है और नेशनल फ्रूट एप्पल है। इस देश को कोई भी नेशनल वेजिटेबल नहीं है, लेकिन वेल्स को लीक नाम का वेजिटेबल असाइंड है और आयरलैंड को वेजिटेबल आलू है। ये इनके फोटोज है। फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट है फ्राइड एग्स, सॉसेज, व्हाइट एंड ब्लैक पुडिंग, बेकॉन, मशरूम, बेक बीन, हैश ब्राउन्स, हाफ टोमेटो। इनकी नॉर्मल लंच होता है सैंडविचेस और सैलेड, लेकिन संडे को इनका ट्रेडिशन है रोस्ट चिकन, हैम, बीफ विद बॉइल्ड वेजिटेबल्स और कभी कभी यॉर्कशायर पुडिंग। ये इनके फोटोज हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि यूके 4 छोटे देशों से बना है, इसलिए उनकी संस्कृति अलग है। 17 और 18 के दशक में यूके के लोगों ने व्यापार बढ़ा दिया और नए जग ढूंढी। फिर उन्होंने फार ईस्ट से मसाले लाए और करेबियन से शुगर लाई। उन्होंने साउथ अमेरिका से कॉफी और कोको लाई और भारत से चाय। ये यूके के कुछ फेमस डिशेस है। और चिकन टिक्का मसाला यूके में ज्यादा से ज्यादा खाया जाता है। वेदांत, तुम्हारे 2 मिनट हो गए क्या? हाँ मम्मी, मेरे 2 मिनट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम जर्नी करेंगे नए देश की और वहाँ के फूड की। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर कोई सुझाव है तो कमेंट्स में लिखिए। बाय। आपको ये सेगमेंट कैसे लगा कमेंट्स करें। अब 30 मिनट्स हो गए, हमारा चिकन भी मैरिनेट हो गया है। अब बड़ा सा पैन लेंगे, उसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। अच्छे से ये थोड़ा सा गर्म होने के बाद इसमें हम मैरिनेटेड चिकन को प्लेस करेंगे। अब प्लेस हो गया। अब हम इसको ढक के 5 मिनट तक कुक करेंगे। तब तक हम मसाला की तैयारी करते हैं।
दूसरे पैन में हम तेल लेकर गर्म होने के बाद उसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे। उसमें पहले हम जीरा लेंगे, हरी इलायची, मसाला इलायची, दालचीनी, मिरी और लौंग। इन सभी को अच्छे से भून कर लेना है। इसमें अब हम बारीक कटा हुआ प्याज है वो ऐड करेंगे और इसको भून लेंगे। जल्दी से भूनने के लिए इसमें नमक ऐड करेंगे। इसमें टमाटर भी ऐड करेंगे और इनको अच्छे से फ्राई करेंगे। सॉफ्ट होने तक हमें उनको फ्राई करना है। अब इसमें जो प्याज की पेस्ट बनाई है वो ऐड करेंगे और इनको भी अच्छे से भून लेंगे। टमाटर की प्यूरी, इसको भी भूनेंगे। अब ढक्कन रख के 5 मिनट रखेंगे। तब तक हम चिकन टिक्का को दूसरी ओर से भी पका लेते हैं। दूसरी साइड से भी हमें पलट के पकाने के लिए रखेंगे। अब यहाँ पे प्याज और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अभी इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट है वो ऐड करते हैं। अभी अच्छे से भून गई। इसमें अब हम हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर और तंदूरी मसाला और गरम मसाला, अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स होने के बाद इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें काजू और खसखस की पेस्ट बनाकर वो इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से तेल लाने तक उसको भूनना है। अब इसमें पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे हमारा चिकन टिक्का रेडी हो गया है। अब इसको बाउल में निकालेंगे। सेम वही पैन में प्याज और शिमला मिर्च के क्यूब्स हैं वो अच्छे से फ्राई करेंगे। हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है। अभी हमारी यहाँ मसाले की ग्रेवी रेडी हो गई है। इसमें हम अभी नमक ऐड करेंगे। चिकन टिक्का करते समय उसमें भी नमक था, यहाँ पे ग्रेवी के लिए ही नमक का ऐड करना है। अब इसमें चिकन टिक्का है वो ऐड करेंगे। अभी थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और एक ढक्कन रख के 5 मिनट तक पकाएंगे। 5 मिनट होने के बाद चिकन टिक्का ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। इसमें अब हम प्याज और शिमला मिर्च ऐड करेंगे और 2 मिनट तक ऐसे ही फ्राई करेंगे। चिकन टिक्का मसाला रेडी हो गया है। अच्छे से खुशबू आ रही है उसमें से। चिकन टिक्का इज रेडी। अब एक सर्विंग बाउल में निकालेंगे और धनिया पत्ते से गार्निशिंग करेंगे।